ग्रीष्मकालीन अवकाश के चलते बच्चों में रचनात्मक गतिविधियों के प्रति जागरूकता लाने के लिए सीएम राइज स्कूल में 1 मई से 13 मई तक समर कैंप आयोजित किया जा रहा है। सीएम राइज के प्राचार्य बीआर भवर ने बताया कि प्राइवेट संस्थाओं की चमक धमक के कारण गरीब बच्चों को समर कैंप में जाने का मौका ही नहीं मिलता था। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई प्रतिभागी ऐसे हैं जो जिले का नाम रोशन कर सकते हैं। उन्हीं बच्चों के लिए सीएम राइज स्कूलों में भी समर कैंप लगाए जा रहे हैं। इसके माध्यम से बच्चों को करियर मार्गदर्शन के अलावा यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह सहित अन्य जानकारी भी दी जा रही है। प्राचार्य ने बताया कि जनजातीय कार्य विभाग के अधीन संचालित सीएम राइज विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान अकादमी गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य कला के क्षेत्रों में निपुण हो सके, इसके लिए विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन शाला स्तर पर किया जा रहा है। समर कैंप में विभाग द्वारा संचालित विशिष्ट आवासीय शालाओं के बच्चे जो ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान अपने घर पर रहेंगे उनको समर कैंप में शामिल करना है। प्राचार्य ने बताया कि ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजन से विद्यार्थियों में रचनात्मक सृजनशीलता कला कौशल के विकास के साथ ही 21वीं सदी के विभिन्न कौशलों जैसे टीमवर्क समस्या समाधान आपसी सामंजस्य आदि के गुणों का भी विकास होता है। इस अवसर पर शिशिका शमीन पठान चंदन जर्वे अजय पाटीदार रुक्मणी बड़ोले रामलाल पवार ने बच्चों के द्वारा बनाई गई कलाओं की सराहना की। डिजियाना न्यूज निमाड़ रिपोर्ट बिस्टान। बिहार की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।